हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। बिहार उपचुनाव में नतीजों के बाद तेजस्वी यादव यही गुनगुना रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि एक ओर तो मोकामा विधानसभा सीट तेजस्वी यादव जीत गए हैं, वहीं गोपालगंज में एक करीबी टक्कर में तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि टक्कर इतनी नजदीकी थी कि सिर्फ 1700 वोटों से तेजस्वी यादव हार गए और तेजस्वी के हार के पीछे उनके मामा और मामी का हाथ माना जा रहा है। बता दें कि एक ओर तो करीबी मुकाबला बीजेपी और आरजेडी में था, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीएसपी की तरफ से साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को चुनावी मैदान में उतारा था। साधु यादव तेजस्वी यादव के जहां मामा हैं, वहीं इंदिरा देवी तेजस्वी यादव की मामी हुई। जहां बीजेपी और आरजेडी के बीच मतों का अंतर 1794 था, वहीं बीएसपी के उम्मीदवार इंदिरा देवी को, जो कि तेजस्वी की मामी है, को 8000 के आसपास वोट मिले। मतलब साफ है कि अगर ये वोट तेजस्वी के खाते में आ जाते तो तेजस्वी सीधे गोपालगंज का किला भी फतह कर ले जाते। बता दें कि MY कॉम्बिनेशन RJD का माना जाता है और इसी कॉम्बिनेशन में वोट कटने की वजह से बीजेपी ने गोपालगंज में जीत दर्ज की। एक और तो जहां BSP के उम्मीदवार साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी ने 8854 वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की, वहीं दूसरी ओर AIMIM के उम्मीदवार ने 12214 वोट अपनी तरफ कर लिए। RJD से ये 12000 वोट मुसलमानों के काट लिए, जिसका बड़ा नुकसान RJD को उठाना पड़ा और गोपालगंज सीट हाथ से RJD के निकल गई। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 70053 वोट मिले, वहीं RJD को 68259 वोट मिले। बीजेपी और RJD के बीच वोटों का अंतर 1794 वोट का रहा। वहीं BSP के उम्मीदवार इंदिरा देवी, जो कि साधु यादव की पत्नी है, को 8854 वोट मिले। तीसरे नंबर पर आए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार, इनको 12214 वोट मिले। तो मतलब साफ है कि अगर AIMIM और साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी ने वोट नहीं काटा होता तो गोपालगंज सीट पर लंबे अरसे बाद RJD की जीत होती, तेजस्वी गोपालगंज में लालटेन जलाने में कामयाब होते। लेकिन कहीं ना कहीं AIMIM और साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी के चुनावी मैदान में उतरने से और मुस्लिम यादव वोट कटने की वजह से RJD जीतते जीतते आखिरी मौके पर गोपालगंज सीट हार गई। तो देखा आपने कि उपचुनाव के नतीजे तो आ गए और इसमें एक सीट मोकामा की जहां तेजस्वी के खाते में गई, वहीं गोपालगंज सीट बीजेपी ने जीत ली। इसी तरीके से बिहार की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।